हेलो बच्चों, फेडरलिज्म शुरू करने से पहले आज कुछ तुम सभी बच्चों के बारे में बताते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे बारे में क्या सर जानते हैं। देखो, ये मान लो एक नदी है, ये एक रिवर है। रिवर है तो उसमें एक वाटर क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है। इधर यू, इस तरफ तुम, इधर आई मीन्स टीचर। एकदम ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। एक नदी है, पानी बह रहा है, एक तरफ तुम हो और एक तरफ मैं हूं। यहां पे हो सकता है कि एक बोट रखी हो सकता है तुम्हें स्विमिंग आता हो। बोट रखी है, स्विमिंग रखा है, इसी के सहारे तुम इस तरफ आ सकते हो। यहां पर टीचर मैं हूं या कोई भी रहेगा, वो तुम्हें क्या देगा, नॉलेज देगा। इस रिवर को बना दिया जाए अगर लॉकडाउन, यहां पे तुम हो, यहां पे मैं हूं, लॉकडाउन हमारे बीच में दीवार बन के खड़ी है, मिलने नहीं दे रही है। बच्चे मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं और मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा हूं। बट बच्चे कैसे आ सकते हैं, बोट का सहारा लेकर आ सकते हैं, स्विमिंग करके भी आ सकते हैं मेरे पास। अब बोट का मींस है, स्विमिंग का मींस है बाइक, बाइसिकल। रिस्क है इस समय, बिल्कुल नहीं आना है। तो इस समय तुम्हारे लिए बोट का काम, स्विमिंग का काम कर रहा है मोबाइल। मोबाइल में इंटरनेट, व्हाट्सएप और सबसे बड़ा यूट्यूब। बोट और स्विमिंग का वर्क कौन कर रहा है, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। तुमने पापा से कहा, मम्मा से कहा, मम्मा हमको तो लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए 20,000 का। मम्मा ने कहा ओके बेटा, पापा ने कहा ओके बेटा। मोबाइल आया, इंटरनेट आया, उसमें व्हाट्सएप भी है, उसमें यूट्यूब भी है। तुम्हारी इच्छाओं को अगर मम्मी पापा ने पूरा किया फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो तुम कर क्या रहे हो। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जब तक तुम नहीं चाहोगे, यूं मोबाइल में इंटरनेट है, व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, बट जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें टीचर से नॉलेज नहीं मिलेगा। तो टीचर कर क्या रहा है, टीचर तुम्हें हर एक तरीके से नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है। वो यूट्यूब के माध्यम से दे रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहा है, वॉइस क्लिप से दे रहा है, पीडीएफ फाइल से दे रहा है। लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुम ये जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो रहेगी। जिस दिन तुम चाहोगे तुम बोट और स्विमिंग अपने इसी को बनाओगे और तुम टीचर के पास अपने आप पहुंच जाओगे। और उससे क्या मिलेगा तुम्हें, नॉलेज। क्यों, क्योंकि यही तो तुमने मम्मी पापा से डिमांड किया। किस लिए, इसके लिए, कब, लॉकडाउन में। तो बेटा कर क्या रहे हो तुम लोग, तुम सभी बच्चे मम्मी पापा से कहते हो मम्मी पापा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट मोबाइल में पबजी खेल रहे होगे, मोबाइल में किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे होगे, यूट्यूब पे कोई डांस का, कोई जोक का, कोई म्यूजिक सुन रहे होगे। मोबाइल तो इसके लिए लिया गया था ना बेटा, नॉलेज एंड स्टडी।
इस बात को ध्यान रखना, जब तक तुम नहीं चाहोगे मेरे पास नहीं आ पाओगे। रास्ते तुम्हारे पास सारे अवेलेबल हैं, बोट, स्विमिंग वो बन गए हैं आजकल, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बट इस लॉकडाउन में तुम टीचर तक पहुंचोगे कैसे? जब तक तुम नहीं चाहोगे। तुम्हारे सामने भोजन रखा रहेगा बेटा, जब तक तुम अपने हाथों से भोजन नहीं करोगे तुम्हारे मुंह में भोजन नहीं जाएगा। तो इस बात को ध्यान रख लो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है मार्च में, उससे कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। लेकिन तुम कितनी तैयारी करोगे ये तुम्हें तय करना है, ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं तय करेंगे, ये तुम्हें तय करना है। तुम कैसे टीचर्स के पास पहुंचोगे, टीचर्स से कैसे तुम सलाह लो कि सर कैसे प्रिपरेशंस करें, कैसे नोट्स बनाएं, सर आप अपना टाइम हमें दे सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम नहीं ध्यान दोगे तो 2021 का बोर्ड तुम्हें देना है, कोरोना को नहीं, लॉकडाउन को नहीं, मम्मी पापा को नहीं, टीचर्स को नहीं। तो फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। तुम इस चीज को चाहो कि बोट और स्विमिंग हमारे पास है और हमें टीचर के पास पहुंचना है, नॉलेज के लिए पहुंचना है, स्टडी के लिए पहुंचना है। उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा था सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं बेटा, समय कभी भी वापस नहीं आता, ना मेरा आया है और ना तुम्हारा आएगा। शुरू करते हैं आगे। फेडरली में हम लोग पढ़ रहे थे कि फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हो गई थी। जब फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हो गया, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो चुका था, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में बहुत ज्यादा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को ऐसी क्या बातें हैं जो फेडरल बनाती हैं, या फिर दूसरे तरीके का आता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। दो ही तरीके का आता है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री या फिर थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो अब देखते हैं, इंडिया एरिया 32,287,263 स्क्वायर किलोमीटर, रिलीजन बहुत सारे भारत में हैं, कास्ट बहुत सारे, लैंग्वेज बहुत सारी, इथनिसिटी डिफर, कल्चर भी अलग, इतनी डायवर्सिटी है। तो इस डायवर्सिटी को हम कैसे एकोमोडेट किए हुए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमने इस डायवर्सिटी को एकोमोडेट किया है। ये सबको पता होना चाहिए कि जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो नेशन के लिए होती है, कंट्री प्लस दूसरे देशों के बीच जो रिलेशंस होते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट जो स्टेट में डायवर्सिटी है, चाहे रीजन को लेके है, लैंग्वेज को लेके है, कल्चर को लेके है, कास्ट को लेके, इन सभी को ध्यान में रख के स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स को थ्री फोर डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे डिवाइड किया गया है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में। तो एक है हमारा यूनियन लिस्ट। एक तो सबसे पहले तुम्हारा एक क्वेश्चन बन के आएगा थ्री फोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, वहां पर तुम्हें लिखना रहेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन फेडरल क्या बनाती है इसी के बाद आते हैं। यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड्स 98 सब्जेक्ट्स, इट इंक्लूड्स 98 सब्जेक्ट्स, इट बिलोंग टू द नेशनल इंपॉर्टेंट इशूज।
98 सब्जेक्ट्स हैं, ये नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इफेक्ट कहां होता है? ऑल ओवर कंट्री। सब्जेक्ट्स आर डिफेंस, आईटी, मनी, फाइनेंस, रेलवे, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, पोर्ट, एयरपोर्ट्स। यूनियन लिस्ट कितने सब्जेक्ट्स हैं? 98 हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लॉ बनाती है, पूरे देश में लागू होता है, कोई भी मना नहीं कर सकता है। इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं? डिफेंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, कम्युनिकेशंस। ये जो 98 सब्जेक्ट्स हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी 98 कैसे हैं इसे बताएंगे। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स 66 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 66 सब्जेक्ट्स हैं। लॉ कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, बिहार की गवर्नमेंट वहां के लिए लॉ बनाएगी, अपने सिटीजन्स के लिए बनाएगी। इसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। बट प्रेजेंट टाइम स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे हैं बताते हैं। नेक्स्ट है कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट नेशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, स्टेट लिस्ट स्टेट के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, बट जो कॉनकरेंट लिस्ट है ये नेशन एंड स्टेट, नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंट बोथ के लिए उतना ही जरूरी है। इट इंक्लूड्स 47 सब्जेक्ट्स, बट प्रेजेंट टाइम इट इंक्लूड्स 47 सब्जेक्ट्स। लॉ आर मेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सब्जेक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, डाइवोर्स, मैरिज, वेट एंड वीजा सिस्टम, कॉन्करेंट लिस्ट। टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 47। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इसके क्या बनाती है? लॉ बनाती है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, डाइवोर्स, मैरिज, सक्सेशन, वेट एंड मेजर सिस्टम्स, ये इसके क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। बट जब कभी भी इन सभी सब्जेक्ट्स में कोई डिस्प्यूट होगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ रहेगा वही फॉलो होगा। जो 47 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट में, प्रेजेंट टाइम 52 हैं। प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 52। यूनियन लिस्ट में 98 हैं, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उसमें 97 थे। स्टेट लिस्ट में हमारे 66 सब्जेक्ट्स थे, बट प्रेजेंट टाइम 59 है। कॉन्करेंट में हमारे 47 थे, बट प्रेजेंट टाइम 52 है। कैसे? ये जो 66 सब्जेक्ट्स हैं, यहां से 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर होते हैं और आते कहां पे हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। हो गए कितने कॉन्करेंट के? 52। स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें हमारा फॉरेस्ट आ जाता है, वेट एंड मेजर सिस्टम एंड अदर्स। हो गया कितना? 52। बट यहां पे ध्यान दो, 66 में 5 गए, कितना बच गया? 61। बट 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए, जिससे क्या हो गया? 59 सब्जेक्ट्स। अब यूनियन लिस्ट को अभी रोकते हैं, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं शामिल किए गए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। अब वो सब्जेक्ट्स को जब शामिल किया गया है तो उन्हें हमने डाल दिया
ऋषि देवरी पावर्स में। ये सब्जेक्ट कौन थे? एक तो था न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उस समय ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, बट ये बाद में आए, इसलिए इनको कहां शामिल कर दिया गया? ऋषि देवरी पावर्स में। ये सब्जेक्ट्स नेशन इंपॉर्टेंट है, नेशन इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट कहां होंगे? ऑल ओवर कंट्री ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नई यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। ये तीन सब्जेक्ट्स थे तो यहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट के समय यूनियन लिस्ट कितनी थी? 97.3 होने से कितना होना चाहिए था? 100। बट 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन लिस्ट से दो सब्जेक्ट्स क्या कर दिया? रिमूव। कितने हो गए? 98 सब्जेक्ट्स। ये तीन नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा यूनियन लिस्ट केवल आ जाए तब भी तीन नंबर का, स्टेट लिस्ट आएगा तब भी तीन नंबर, कॉन्करेंट लिस्ट आएगा तीन, रेसिड्यूरी पावर जल्दी आती ही नहीं। अगर आता है क्या लिखना है? इट इंक्लूड्स 98 सब्जेक्ट्स बिलोंग टू नेशन इंपॉर्टेंस लॉ और मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द सब्जेक्ट्स आर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयरपोर्ट, पोर्ट। स्टेट लिस्ट इट इंक्लूड्स 59 सब्जेक्ट्स बिलोंग टू स्टेट इंपॉर्टेंस लॉ आर मेड बाय इंडिविजुअल स्टेट फॉर ओन सिटीजन्स। सब्जेक्ट्स आर पोलिस, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। कॉन्करेंट लिस्ट इट इंक्लूड्स 52 सब्जेक्ट्स आर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस लॉ आर मेड बाय बोथ गवर्नमेंट। In case of any disputes, the central government law followed. The subjects are education, forest, divorce, marriage, adoptions, weight and measure system. इन तीनों में जो subjects नहीं शामिल थे उसे कहा गया residuary powers. But residuary powers के लिए law कौन बनाता है? Central government बनाती है. Subjects कौन से हैं? Nuclear and atomic energy, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो हो गया एक की इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री कैसे बनता है, क्यों? क्योंकि पावर्स को तीनों गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल के बीच में, स्टेट्स के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा लिखा हुआ है। और क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सभी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जुडिशरी है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स, कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसे कौन सॉल्व करता है? हमारी जुडिशरी सॉल्व करती है, प्लेस ऑफ जस्टिस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जुडिशरी है, ये भी फेडरल बनाती कंट्री को। इसके अलावा हमारा रिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी सी बातें लिखी गई जो इतनी आसानी से बदली ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता है। सिंगल लेवल की गवर्नमेंट वो कैसे चेंज होगी? 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ कंट्री, कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनमें से आधे स्टेट से इसे पास लाना पड़ेगा, तब फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? चेंज होगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, रुपए को लेके बोथ गवर्नमेंट में कोई लड़ाई ना हो, डिस्प्यूट ना हो, इसलिए दोनों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। बोथ गवर्नमेंट फाइनेंस के लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट
अपना बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ पूरी कंट्री में ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है, सबको मानना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट का उसकी बिलोंगिंग स्टेट्स में फॉलो हो जाता है। ये रीजन इंडिया को क्या बनाते हैं, फेडरल कंट्री। बट अगर हम यहां पे देखें कि क्या इंडिया में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, स्टेट्स हैं, सभी की पावर इक्वल्स है, बिल्कुल नहीं इक्वल। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में शामिल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मोर पावर टेंड करती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट, क्या उन सभी स्टेट्स की पावर इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल। उत्तर प्रदेश की पावर्स एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें ही अलग है। यूपी यहां पे अपर हाउस है, यहां पे भी है, यहां पर, यहां पर, बट मध्य प्रदेश में अपर हाउस नहीं है। पहला कि यानी स्टेट्स को भी इक्वल पावर नहीं मिली। इसके अलावा अगर हम जे एंड के की बात करें तो जे एंड के पहले क्या हुआ करता था, इसको एक अलग पावर्स मिली हुई थी। उस 370 के तहत यहां पर कोई लैंड नहीं खरीद सकता था, ये एक स्पेशल स्टेट था। बट सेम प्रोविजन कि कोई भी व्यक्ति लैंड नहीं खरीद सकता जम्मू कश्मीर में, वैसा ही प्रोविजन कहां पे है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर भी सेम प्रोविजन है, यहां पे कोई लैंड नहीं खरीद सकता है, उनकी एक अलग पावर्स हैं। बट जैसे ही हम यूनियन टेरिटरीज में आ जाते हैं तो यूनियन टेरिटरीज में हम देखते हैं यूटी में उनकी भी पावर क्या है, इन स्टेट से और कम है। चाहे हम चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, दमन एंड दीव की बात करते हैं, पांडुचेरी की बात करते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो यहां पे क्या है, इनकी पावर्स जो स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट है उनसे क्या है, इनकी पावर कम है। बट इन यूनियन टेरिटरीज में आते हैं तो दिल्ली की पावर क्या है, ज्यादा है। यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट मोर टेंड करती है, बट जो स्टेट्स हैं उनकी अनइक्वल पावर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका अलग एक क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उनकी एक अलग कल्चर है, या फिर वो कभी किसी स्टेट से शामिल नहीं हो पाए थे। जब किसी स्टेट में शामिल नहीं हो पाए तो उनको यूटी में कर दिया गया, और यूटी की पावर्स क्या होती, हमेशा कम होती, यूनियन टेरिटरीज की पावर्स कम होती है। जिन बच्चों को जहां पर भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो पढ़ाई करो। लॉकडाउन बहाना नहीं है तुम्हारे लिए कि मम्मी पापा लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, बस अपनी इच्छा को जगाओ, क्योंकि भोजन तभी पेट में जाएगा जब तक बेटा हाथ का यूज नहीं करोगे।